बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए हाजी मास्टर शरीफ अहमद साहब ने कहा कि जो बच्चे प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी लेकर आए हैं जिनको पुरस्कृत किया गया है, बाकी बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर मेहनत करें तथा अच्छे नंबर लेकर आए ताकि अगली बार परीक्षा में उनको भी पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र मिल सके। जिन बच्चों की श्रेणी नहीं आई है उन बच्चों को मायूस होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनको मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है ताकि अगली बार उनको भी पुरस्कार मिले। हाजी जी ने कहा कि प्राथमिक स्कूल बच्चों की बुनियाद मजबूत करने के लिए, इसलिए उन्होंने हजरत फातिमा स्कूल के प्रशिक्षण स्टाफ से भी कहा कि है बहुत ज्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ बच्चों के साथ ध्यान लगाकर शिक्षण कार्य करें ताकि बच्चे कामयाब होने के बाद भविष्य में स्कूल को और अपने टीचर को याद करें तथा उनका सम्मान करें। हाजी मोहम्मद मासूम त्यागी ने कहा कि आने वाला वक्त शिक्षा का है, शिक्षा से ही एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज को बच्चों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हजरत फातिमा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्रीमती एस हयात ने कहा कि हम विद्यालय का संचालन 30 वर्षों से कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में गांव की खदीमत और 30 सालों से कर रहे हैं और हमारे विद्यालय का 30 सालों से अपना अलग मकाम है। अच्छी शिक्षा देना हमारा संकल्प है, बच्चों में अच्छे संस्कार तहजीब तमीज पैदा करना हमारा कर्तव्य है। कुटेसरा से हमारा विद्यालय हजरत फातिमा पब्लिक स्कूल सबसे पुराना स्कूल है जो समाज की खिदमत बहुत कम फीस में बच्चों को अच्छी तालीम देकर रहा है और हम कम फीस कर बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं जिसके लिए दूसरे स्कूल सालाना मोटी रकम ले लेते हैं। हमारे विद्यालय का अच्छा स्टाफ हमारे विद्यालय के रीढ़ है और निहायत मेहनती लगनशील तथा तजुर्बेकार हैं और हम बच्चों के साथ साथ अपने विद्यालय के स्टाफ को भी अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हजरत फातिमा पब्लिक स्कूल में ऐसे ही स्टाफ मेहनत करता रहेगा और बच्चे अच्छे नंबर लाकर अच्छी पढ़ाई हासिल करते रहेंगे। हमारे विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के रूप में कंप्यूटर की शिक्षा तथा दीनी शिक्षा के रूप में उर्दू, दीनियत की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष तवज्जो दी जाए।